जमीन हो, आसमान हो या फिर अंतरिक्ष, सर्जिकल स्ट्राइक का साहस आपके इस चौकीदार की सरकार ने दिखाया है। चार दशक से, 40 साल से हमारे सैनिक वन रैंक वन पेंशन मांग रहे थे, उसको पूरा करने का काम भी इसी चौकीदार ने किया। देश के करीब 12 करोड़ किसान परिवारों को 75,000 करोड़ रुपए की सीधी वार्षिक मदद का काम भी इसी चौकीदार ने किया। देश के लगभग 50 करोड़ गरीब परिवारों को हर वर्ष 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की व्यवस्था भी हमारी सरकार ने की। देश के 34 करोड़ गरीबों के लिए जनधन योजना के तहत बैंक खाते भी हमारी सरकार ने खुलवाए हैं। और जब मैं बैंक खाते खुलवाता था तो ये बड़े बुद्धिमान लोग भाषण करते थे कि देश में बैंकें नहीं है, गांव का आदमी क्या करेगा, ऐसा कहते थे कि नहीं कहते थे। और आज वही कह रहे हैं जो लोग, अरे गरीबों का बैंक का खाता 70 साल तक नहीं खुलवा पाए, वो कहते हैं तुम्हारे खाते में पैसे डालेंगे, कोई भरोसा करेगा क्या। अरे जो खाता नहीं खुलवा सकता है वो खाते में डाल सकता है क्या। देश की 7 करोड़ से अधिक गरीब बहनों को मुफ्त गैस सिलेंडर देकर धुएं से मुक्ति देने का काम भी आपने, हमें सेवा करने का मौका दिया, हमने करके दिखाया। देश भर में 10 करोड़ गरीब परिवारों के घर शौचालय देकर बहनों को इज्जत देने का, जीवन देने का सौभाग्य भी हमें मिला है। 1.5 करोड़ से अधिक गरीब बेघर परिवारों को अपना पक्का घर भी हमारी सरकार ने ही दिया है। देश के 2.5 करोड़ से अधिक गरीब परिवारों तक पहली बार बिजली कनेक्शन देने का काम भी हमने ही किया है। 15 करोड़ से अधिक बिना गारंटी के ऋण देकर युवा साथियों को स्वरोजगार से जोड़ने का काम पहली बार एनडीए ने ही किया है। सामान्य वर्ग के गरीबों को, और मुझे विश्वास है कि जब ये खबर आपने सुनी होगी आपका सीना चौड़ा हो गया होगा। सामान्य वर्ग के गरीबों को 10% आरक्षण देने का ऐतिहासिक फैसला भी हमने ही लिया। देश के ईमानदार करदाताओं को 5 लाख रुपए तक की कर
कर योग्य आय पर टैक्स जीरो करने का रिकॉर्ड भी हम ही ने बनाया है। साथियों, समाज का ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है और देश का ऐसा कोई कोना नहीं है जो विकास के हमारे इन कामों से अछूत रहा हो। सबका साथ सबका विकास की हमारी यही सोच है जिस पर नए भारत का निर्माण हो रहा है। 11 अप्रैल को आपका वोटिंग 11 अप्रैल को है ना, 11 अप्रैल को है ना, 11 अप्रैल को जब देश पहला वोट डालेगा, जब पहली बार वोट डालने वाला हमारा युवा बूथ में जाएगा तो वो ईवीएम पर कमल के निशान पर उंगली दबाने से पहले विकास की इस तस्वीर को लेकर के जाने वाला है। साथियों, आपके चौकीदार की सरकार ने जो हासिल किया है वो तब और साफ हो जाएगा जब 2014 से पहले के भारत यानी आपके इस चौकीदार के आने से पहले की स्थिति से जब आप तुलना करेंगे। जरा एक बार उन पुराने दिनों को जरा याद करिए और मुझे बताइए, इन महामिलावटी लोगों की सरकार जब दिल्ली में थी तब देश में आए दिन बम धमाके होते थे कि नहीं होते थे? मैं दोबारा पूछूं, जब ये महामिलावटी लोग बैठे थे दिल्ली सरकार में तब आए दिन देश में अलग अलग कोने में बम धमाके होते थे कि नहीं होते थे? ये महामिलावटी आतंकियों को संरक्षण देते थे कि नहीं देते थे? ये आतंकियों की भी जात और उनकी पहचान देखते थे कि नहीं देखते थे? उसके आधार पर तय करते थे कि आतंकी को बचाना है या सजा देनी है? बताइए भाइयों, ऐसा होता था कि नहीं होता था? मुझे बताया गया है कि यहां मेरठ में जो विरोधी दलों के उम्मीदवार हैं उन्होंने आतंकवादियों के लिए करोड़ों रुपए के इनाम तक का ऐलान कर दिया था, याद है ना? आतंकवादियों को करोड़ों का इनाम। सोचिए, महामिलावट के लिए लोग किस हद तक जा सकते हैं? ये महामिलावटी लोग भ्रष्टाचारियों के साथ है कि नहीं है भाई? ये लोग भ्रष्टाचारियों के साथ है कि नहीं है? महामिलावटियों के राज में बेटियों को इंसाफ मिलता था क्या? मेरठ वाले तो बराबर जानते हैं, क्या बेटियों को इंसाफ मिलता था क्या? इनकी सरकार में गुंडे और बदमाश बेलगाम थे कि नहीं थे? क्या ऐसी महामिलावट के हाथ में देश सुरक्षित रहेगा? देश सुरक्षित रहेगा? देश सुरक्षित रहेगा? साथियों, मेरठ और पश्चिमी यूपी तो इनके कारनामों को भुगत चुका है। जब से योगी जी की सरकार आई है
तब से गुंडों और बदमाशों में डर है, भय है, बेटियों के साथ अत्याचार करने वाले आज 100 बार सोचते हैं कि नहीं सोचते हैं, क्योंकि आपके इस चौकीदार ने ऐसे लोगों को फांसी तक का प्रावधान कर लिया है। ये बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हम सभी मिलकर बीते 5 वर्षों में भारत को जिस स्थिति से निकाल कर लाए हैं इसको और मजबूत करना है। देश को और मजबूत करना है कि नहीं करना है? देश मजबूत होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मजबूत देश के लिए मजबूत सरकार चाहिए कि नहीं चाहिए? अगर इन महामिलावटी लोगों को ये जरा बराबर उत्तर प्रदेश के लोग समझ लें, अगर इन महामिलावटी लोगों को जरा भी मौका मिल गया तो ये देश उस पुरानी स्थिति में जाने में जरा भी देर नहीं लगने वाली। ये कितने बेचैन हैं, कितने बौखलाए हैं, ये 2 महीने से देश बहुत साफ साफ देख रहा है। भाइयों और बहनों, आज स्थिति है कि कुछ दिन पहले तक जो लोग इस चौकीदार को चुनौती देते फिरते थे अब रोते फिर रहे हैं। मोदी ने ये क्यों किया? मोदी ने वो क्यों किया? ये मोदी ने पाकिस्तान में आतंकियों को घर में घुसकर क्यों मारा? ये मोदी ने आतंकियों के अड्डे को नष्ट क्यों किया? रो रहे हैं। साथियों, एक गंभीर बात की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। ये सारे महामिलावटी लोग आज कौन पाकिस्तान में ज्यादा पॉपुलर होगा, कौन पाकिस्तान में हीरो बनेगा, इसकी स्पर्धा में लग गए हैं। वहां की मीडिया में छाए हुए हैं, उनके नाम की पाकिस्तान में तालियां बज रही है। भाइयों बहनों, आप ही बताइए, देश को हिंदुस्तान के हीरो चाहिए या पाकिस्तान के? हिंदुस्तान के हीरो चाहिए या पाकिस्तान के? मेरे प्यारे देशवासियों, मैं 130 करोड़ देशवासियों से पूछना चाहता हूं, क्या हमें सबूत चाहिए कि हमें सपूत चाहिए?